दोस्तों, दमदार पर्सनालिटी, अलग सा ड्रेसिंग सेंस और एक्टिंग का बादशाह, जिन्हें बड़ा सा बड़ा स्टार भी अन्ना कहकर बुलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की, जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब ये किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनके प्यार में पागल थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इनके लव अफेयर की वही कहानी बताएंगे। तो कौन थी वो, क्या करती थी और कैसी दिखती थी? अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इस दमदार एक्टर के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के एक्शन हीरो सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर्नाटक से ही की थी। इन्हें शुरू से ही अभिनय करने का काफी शौक था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 की फिल्म बलवान से की थी। इस फिल्म में इन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद इन्हें कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें मोहरा, दिलवाले, बॉर्डर और क्रोध जैसी फिल्में शामिल हैं। एक एक्शन हीरो के अलावा इन्होंने कॉमेडी फिल्में भी की हैं, जिनमें हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में इनकी कॉमेडी को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। आपको बता दें, साल 2001 में फिल्म धड़कन के लिए इन्हें फिल्मफेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ निर्देशक के तौर पर भी काम किया। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपने अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम माना शेट्टी है, जिनसे इन्होंने 1991 में शादी की थी। लेकिन अगर बात करें इनके लव अफेयर्स की, तो सुनील शेट्टी किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के प्यार में पागल थे। 90 के दशक में इन दोनों की जोड़ी काफ़ी फेमस थी और दोनों एक साथ फिल्मों में रोमांस करते हुए नजर आते थे। दोनों ने मिलकर टक्कर, सपूत और कहर जैसी फिल्मों में काम किया और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान सुनील शेट्टी मन ही मन सोनाली को चाहने लगे थे। लेकिन उस वक्त सुनील शादीशुदा थे और वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से सुनील कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके। पर कहा जाता है कि सुनील शेट्टी सोनाली के प्यार में इस कदर पागल थे कि अगर सोनाली किसी और एक्टर के साथ काम करती थी तो ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने भी कहा था कि अगर सुनील शादीशुदा ना होते तो वो सोनाली से ज़रूर शादी कर लेते। और फिर साल 2002 में सोनाली ने गोल्डी बहल से शादी कर ली। तो दोस्तों, आपको फिल्मों में सोनाली और सुनील शेट्टी की जोड़ी कैसी लगती थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।